हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एगलेस टूटी फ्रूटी मफिन्स बनाने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी बनेंगे, एकदम बेकरी स्टाइल बनेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। एक बार मैं इसकी जाली आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जाली इसका बनकर तैयार हुई है। बहुत ही आसानी से इसके कपकेक्स को हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मफिन्स बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप जितना होममेड केक प्रीमिक्स। ये मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। एगलेस बहुत ही सस्ते में बनकर तैयार हुआ है। अगर आप लोगों को इसका रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसके हिसाब से जल्दी इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़े से मैंने लिए हैं टूटी फ्रूटीज। उसमें हम 2 छोटे चम्मच जितना प्रीमिक्स मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हमारे टूटी फ्रूटीज के साथ में। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें थिक बैटर बना करके तैयार करना है, क्योंकि हम यहाँ पर मफिन्स बना रहे हैं। अगर आप इस प्रीमिक्स से स्पॉन्ज बनाना चाह रहे हैं किसी डेकोरेशन के लिए, तो आप इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी का यूज़ करें, थोड़ा सा पतला बैटर बनाकर तैयार करें। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है हाई स्पीड पर। अगर आपके पास ये मशीन ना हो तो आप मिक्सी में भी ये काम कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से फेंटेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस हमने इसमें मिक्स किया है, थोड़ा सा ऑरेंज इमल्शन मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर ऑरेंज एसेंस का और थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड, हल्के से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा इस वक्त बीच करने की इसको ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसके बाद में लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। एकदम फ्लेवरलेस ऑयल है। इसकी जगह पर आप बटर का या फिर देसी घी का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद में हमें इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस हल्का सा ही मिक्स करना है। इसके बाद में जो हमने टूटी फ्रूटीज बनाकर तैयार की थी वो इसमें ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से जब हम इनको मिक्स कर लेते हैं प्रीमिक्स के साथ में, तो ये केक में पूरी तरह से फैल जाती है, नीचे जाकर बैठती नहीं है। अब हल्के हाथों से इसको हमें फोल्ड करना है, ज़्यादा नहीं प्रेशर लगाना है। इसके बाद में हमने यहाँ पर कपकेक लाइनर तैयार किए हुए हैं, उनमें हम इस बैटर को फिल कर देंगे। हमें 3/4 इनको फिल करना है। अगर आपके पास कपकेक मोल्ड ना हो तो आप कटोरियों में भी इसको बेक कर सकते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरीके से। 3/4 हमें इसको फिल करना है। सभी कपकेक के लाइनर हमने फिल कर लिए हैं, इनको अच्छे से टैप कर देंगे और इस तरीके से आप कटोरियों में भी इनको बेक कर सकते हैं। थोड़ा सा शेप इसका चेंज हो जाता है हल्का सा। इसके बाद में हमने प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर लगभग 20 से 25 मिनट के लिए इनको बेक करना है, या जब तक पूरी तरह से बेक ना हो जाए। लगभग मुझे 25 मिनट्स लगे हैं इनको बेक करने के लिए। और ये देखिए अच्छे से बेक होकर तैयार हो गए हैं। अब हल्के से गीले कपड़े से इनको कवर करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इससे ये ऊपर से थोड़े सॉफ्ट रहेंगे, टाइट नहीं होंगे। और यहाँ पर हमारे कपकेक्स बन करके तैयार हैं। ये देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं, एकदम मार्केट स्टाइल लग रहे हैं। ये देखिए एकदम मार्केट जैसे लग रहे हैं। मैंने ऊपर से इनको डेकोरेट नहीं किया है, क्योंकि जो मार्केट से हम मफिन्स लेकर आते हैं ना, वो ऊपर से इसी तरीके से होते हैं, तो मैंने इसी तरीके के बनाए हैं। आप चाहें तो ऊपर से भी इनको अच्छे से कर सकते हैं डेकोरेट। और ये जो हमने कटोरी में बनाए थे ना, वो वाले हैं, थोड़े से ब्रॉड हो गए हैं, लेकिन टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ निकाल करके ये कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने स्पॉन्जी हैं ये। और मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी इसकी जाली बनकर के तैयार हुई है। तो आप ही मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर आपको ये कपकेक प्रीमिक्स सीखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।